दस ओवर के बाद काफी करीब करीब था मैच, पर दस ओवर से पहले व्हेन अर्ली ऑन यू टुक बाबर्स विकेट, तो आपको लगा कि हाँ जी आधी पाकिस्तान की टीम यही आउट हो गई, बिकॉज बाबर सबसे ज्यादा स्कोर करता है पाकिस्तान की। नहीं बिल्कुल, वो स्कोर करते हैं, बहुत अच्छे बैट्समैन हैं, बट ऑनेस्टली ऐसा नहीं सोचा था कि आधी टीम आउट हो गई है, क्योंकि टेक्निकली और 9 बैट्समैन बचे थे, वो भी सब अच्छे बैट्समैन हैं। एज अ टीम हम लोग ये नहीं सोचते कि अगर उनका बेस्ट बैट्समैन आउट हो गया तो आधी टीम आउट हो गई है, बट डेफिनेटली उन्हें आउट करने के बाद लगा कि हाँ उनका जो एक एंकर का रोल प्ले करता है वो कहीं ना कहीं उनका डिस्टर्ब होगा, तो आई थिंक उन्हें वापस बिल्डअप करना पड़ेगा। नहीं, वही जिस तरह से विकेट था, आई थिंक बॉलिंग फर्स्ट ही अच्छा ऑप्शन था, क्योंकि विकेट में थोड़ी ग्रास थी और ग्रास जो पैची थी आई थिंक जो बैट्समैन के लिए बहुत सूटेबल नहीं थी, तो वो रीज़न था कि हम लोगों ने पहले बॉलिंग की। I'm very happy with the performance, not just the wicket. I mean, yes, when you get the wicket, you always feel happy and you contribute to the team. But sometimes just bowling economically is also, contribution to the team. And when you get wicket, you always, add a extra thing to that. But it's not just me, the way Hardik bowled, the others bowled. I think it was a complete bowling performance. नहीं बिल्कुल होंगे, जिस तरह से वो बैटिंग बॉलिंग करते हैं और अभी जो करते आ रहे हैं पिछली कुछ सीरीज से, तो मैं तो यही प्रे करूंगा कि वो ऐसी ही परफॉर्मेंस करे वर्ल्ड कप में भी, और हमारे लिए भी अच्छा होगा, और इसी फॉर्म में रहेंगे तो ऑफकोर्स अच्छा ही होगा हमारे लिए। आई थिंक बहुत ज़रूरी चीज़ है किसी भी बॉलर के लिए या किसी भी बैट्समैन के लिए, क्योंकि आजकल T20 क्रिकेट इतनी फास्ट हो गई है कि सब लोग एज्यूम करते हैं, या प्रोएक्टिव जो हम एक बात करते हैं वो एज्यूम करते हैं कि बैट्समैन ये करेगा या बॉलर ये करेगा, या विकेट में स्विंग सपोर्टिव नहीं था तो आई थिंक जो बाउंस आता था तो वो चीज़ थी, तो आई थिंक वही है कि आप प्लान करते हैं, आपको बैट्समैन के बारे में पता रहता है पहले से कि बैट्समैन की ये स्ट्रेंथ है, और जब आप एक दो बॉल डाल चुके होते हैं तो विकेट से और पता लगता है, तो आई थिंक मैं मानता हूँ कि सोचना गेम के बारे में एक उतना ही ज़रूरी फैक्टर है जितना आपके पास स्किल्स हैं। नहीं, जब वो वर्ल्ड कप ख़त्म हुआ तो हम सब भूल गए थे वहाँ पे, आई नो कि सब लोगों की एक्सपेक्टेशन रहती है कि इंडिया पाकिस्तान में लास्ट हम लोग हारे थे, वो प्रेशर रहेगा, बट ऑनेस्टली एज अ क्रिकेटर या एज अ टीम हम लोग वो नहीं सोचते कि लास्ट मैच हम लोग हारे थे, वो हम आप लोग को याद है पाकिस्तान से आ रहे हैं बट हम और टीम से भी मैच आ रहे हैं, अगर किसी और टीम से सीरीज़ होती है वो तब हम बात नहीं करते, क्योंकि इतना हाई प्रेशर वाला मैच है तो हम लोग बात करते हैं, बट एज अ टीम एज अ प्लेयर हम लोग वो चीज़ पीछे छोड़ के हर नेक्स्ट सीरीज़ की तैयारी करते हैं, नेक्स्ट मैच की तैयारी करते हैं। हम लोगों ने जो आगे प्रिपरेशन की वो इस तरह से की कि हमें इस सीरीज़ में अच्छा करना है, जो वर्ल्ड कप में हो चुका वो हम सब भूल गए थे। नहीं बिल्कुल, अगर पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं, कंट्री के लिए खेल रहे हैं तो अच्छे बॉलर होंगे, तो आप लोग हमें या हम लोग हमेशा एक्सपेक्ट करते हैं कि जो सामने खेल रहा है अच्छा ही बॉलर होगा, जिस तरह से उन्होंने पहले ओवर में भी विकेट लिया, तो बट एज अ बैटिंग टीम हम लोग यही या बाहर से मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि अगर हम वो पहले 6 ओवर अच्छे खेल जाएँ उसमें कम विकेट दें तो आई थिंक हम बाद में वो कवर कर सकते हैं। ऑनेस्टली मैंने कुछ डिफरेंट नहीं किया, आई थिंक वो एक मैच अच्छा नहीं गया, किसी के साथ भी होता है, बट उसके बाद वापस मैं जो मैं पहले करता था वही चीज़ है कि वही सेम प्रैक्टिस सेम रूटीन सब चीज़, आई थिंक यू नीड अ बिट ऑफ लक, तो आई थिंक लक ने फेवर किया
अच्छी परफॉर्मेंस हुई, सब चीज़ें यू नो मेरी तरफ गई, बट ऑनेस्टली मैंने ऐसा कुछ अलग नहीं किया कि जो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये मैंने चीज़ें की थी। आई थिंक जो जनरली हम बात करते हैं एज ए क्रिकेटर की, वो सेम बोरिंग रूटीन, वही सब किया, वही सब चीज़ें चलती रही। आई थिंक सच तो यही है। थैंक यू। थैंक यू।